सपा बसपा गठबंधन से दरकिनार किए जाने के बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में हर संभव कोशिश में जुट गई है और ऐसे में समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से अलग जो भी विकल्प नजर आ रहे हैं उन्हें कांग्रेस साधने की कवायद में जुट गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में सियासी बिगुल बज चुका है। वहीं सभी दल अपनी अपनी अलग रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। लेकिन चुनावों से पहले यूपी में सियासी उलटफेर ना हो ऐसा भला कहां मुमकिन है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसी के गढ़ अमेठी और रायबरेली में घेरने की रणनीति पर काफी लंबे समय से काम कर रही है, जबकि कुछ दिन पहले सपा बसपा गठबंधन ने इन दोनों लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार न उतारने का फैसला करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सियासी राह को आसान बना दिया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कर्णधार मानी जाने वाली और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर से मिलना महंगा पड़ सकता है। दरअसल मेरठ के एक अस्पताल में चंद्रशेखर का हाल जानने गई प्रियंका गांधी को यह एहसास भी नहीं था कि चंद्रशेखर का हाल जानना कांग्रेस पार्टी की तबीयत बिगाड़ सकता है। दरअसल चंद्रशेखर से मिलने के ठीक बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती के खेमे में हलचल हुई और वो हलचल इस नतीजे पर पहुंची कि कांग्रेस के लिए छोड़ी गई दो सीटें यानी कि अमेठी और रायबरेली से बीएसपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। चंद्रशेखर और कांग्रेस की सक्रियता और कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवारों की लंबी होती फेहरिस्त, जिसको देखते हुए सिर्फ बीएसपी ही चिंतित नहीं बल्कि एसपी भी सतर्क हो गई है। शायद यही वजह है कि लंबे समय से सपा के कद्दावर नेता आजम खान से ना मिलने वाले अखिलेश ने कुछ दिन पहले ही उनसे मुलाकात भी की। बीजेपी ने कांग्रेस की परंपरागत सीट रायबरेली और अमेठी की घेराबंदी करने का प्लान बना रखा है। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी पिछले 5 साल से अमेठी में सक्रिय भी हैं। इन सभी बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच कई सवाल भी एक साथ खड़े हो रहे हैं, जैसे कि अगर बीएसपी कांग्रेस की परंपरागत दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती है तो फिर कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। आपको बता दें कि चुनावी सीजन से पहले तक बसपा यूपीए की ही सहयोगी दल हुआ करती थी, लेकिन भीम आर्मी प्रमुख यूपी के उभरते दूसरे नेता चंद्रशेखर के साथ कांग्रेस की बढ़ती नजदीकी कांग्रेस के साथ सपा के रिश्तों पर और पलीता लगा सकती है। वैसे यूपी में उभरते इस दूसरे दलित नेता चंद्रशेखर से प्रियंका गांधी की मुलाकात ने कहीं ना कहीं बसपा को इनडायरेक्ट मैसेज भी दे डाला कि कांग्रेस के लिए बसपा नहीं तो दलित वोट बैंक से जुड़ा कोई और दल सही। राजनीति डेस्क, जनता टीवी।